बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वली ऑटोमोटिव सर्विस में खुश आमदीद। आज जी हमारे पास सुजुकी की आल्टो 660 सीसी VXL है जी। एसी की कंप्लेन है जी। ये कस्टमर कहते हैं कूलिंग कभी करता कभी नहीं करता। हमने जब चेक किया इसका बजाय एसी ऑन था। हमने एसी ये देखे बटन ऑन है और बाहर जो आपका कंप्रेसर ऑफ है, ठीक है। ये कंप्रेसर भी ऑफ है और इसका जो फ़ैन है वो भी ऑफ है, ठीक है। ठीक हो गया। और हम अब इसका चेक करते हैं डेटा स्ट्रीम में, ठीक है। डेटा स्ट्रीम में जाते हैं और इसका ना ले लेते हैं हम एसी स्विच, एसी कंप्रेसर रिले और प्रेशर स्विच, एसी प्रेशर स्विच, ठीक है। एसी कंप्रेसर रिले और एसी प्रेशर और एसी स्विच, ठीक है। ये हमने चेक किया, ये यहाँ पे ऑफ नज़र आ रहा है स्कैनर पे और ये यहाँ पे गाड़ी में ऑन नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बटन का इशू है, ठीक है। आप बटन को प्रेस रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। हम इसको प्रेस करते हैं अभी। ये प्रेस करके रखा, ये देखें ऑन हो गया, ठीक है। ये आपने इसको ऐसे चेक करना है, वो कस्टमर को भी बता देना है ऐसे ये चीज़ आपकी ये ख़राब है। कस्टमर कहते हैं जी वो स्विच तो ऑन है, ये आपके कंप्रेसर में मसला है या गैस में मसला है। फिर आपने लाइव डेटा उनको दिखा के स्कैनर में चेक करवा लेना, ठीक है। ये हमने ऑन किया, ये इसमें कुछ चीज़ देंगे, ठीक है। ये देखें ऑन हो गया, ठीक हो गया, ये ऑन है, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसकी केबलें वगैरह उतार लेते हैं, सामने इसका पैनल उतार लेते हैं। अपनी तरफ कैंचा बाहर आ गया, इसके कपलर उतार लिए, बाइट निकाल लिया हमने। अब सब आपने नोज प्लास के साथ इसको अपने इसकी जो नॉब्स हैं इसको अपनी तरफ खींचना है, ठीक है। ध्यान रहे इस पर निशान ना पड़े, ठीक है, स्लिप ना हो नोज प्लास, मजबूत से पकड़ें इसको, अपनी तरफ खींचे। ये सम टाइम ये यहाँ से नहीं खुलते, ठीक है। ये सख्त होते हैं कुछ गाड़ियों के, ठीक है। आपको ये पीछे से खोलने पड़ते हैं इसकी जो पूरे ये जो ना यहाँ से लॉक प्रेस करके बाहर निकालने पड़ते हैं। और ध्यान रखना है आपने इसमें बैरिंग के जो बॉल होते हैं ना, वो होते हैं बॉल बैरिंग होता है, दोनों में एक एक होता है, ठीक है। वो आपने देख लेने हैं, गिरे ना और आपने एहतियात के साथ खोलना है। इसका ब्लोअर का स्विच हम ओपन कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। ये रिफ्रेश वाला जो बटन है वो भी ओपन कर लेते हैं हम। अब इसके जो लॉक है हम वो कर लेते हैं हम। ये आपने अपनी तरफ से प्रेस करके रखना है। जो इसका जो पैनल है ब्लैक वाला वो लैदा हो जाएगा, जो वाइट वाला वो लैदा हो जाएगा, ठीक है। इस लॉक लगे हुए हैं, लॉक आपने आराम के साथ आपने आराम से आपने उतार लेने हैं, ठीक है। बड़े आसानी के साथ बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो बटन है हम वो ओपन कर लेंगे इसको, ठीक हो गया। इसके स्क्रू जो स्क्रू लगे हुए हैं वो ओपन कर लेंगे तीनों। पहले भी आपको बताया था कि कल्टस में कि इसका जो हम डिफॉर्गर के साथ चेंज करेंगे, ठीक है। ये डिफॉर्गर का है और ये एसी का, ठीक है। अब चेंज करेंगे, सॉरी ये एसी का, एसी का हम पहले ओपन कर लेंगे। स्प्रिंग वगैरह निकाल के एक साइड पे रख देंगे, इसको एक दफ़ा कॉर्बेटर क्लीनर या इलेक्ट्रिक क्लीनर से साफ करेंगे, ठीक है। ये देखें इसको थोड़े थोड़े गंदे हुए हैं, थोड़े से ना कार्बन आया हुआ है, इसको साफ करेंगे। इसको हम ड्राई कर लेंगे एयर के साथ भी और इसको थोड़ा सा साफ भी कर लेंगे, ठीक है। उसके साथ रेतियों के साथ ना थोड़ा सा ना आपने इसको साफ कर लेना है, जो इसके जो छोटे छोटे पैनल हैं ना, आराम से, ज़्यादा ज़ोर लगा कर नहीं करना, ये टूट भी जाते हैं, नाजुक होते हैं, ठीक है। ये साफ़ कर लेने आपने,
अब हम इसका डिफॉर्गर वाला स्विच खोलते हैं, वो इसमें लगाएंगे आप। ठीक हो गया जी, इसको बाहर निकाल लिया, अब वो हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, स्प्रिंग रख लिया हमने इसमें और ये उस पर लगा दिया। अच्छा, डिफॉर्गर का हम इसलिए चेंज करते हैं कि उस पर इतना लोड नहीं होता, उतना ही बंदा ज़्यादा इस्तेमाल करता, क्योंकि एसी का बटन वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए हम वो चेंज करते हैं। ठीक हो गया जी, अब इसको फिटिंग कर लेते हैं। जो जो चीज़ हमने खोली हम सारा पैनल फिटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये बटन वगैरह लगा देते हैं हम। ये हमारी फिटिंग होगी, हम इसमें गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं अब। इसे कपलर लगा देंगे, सबसे पहले इसको कपलर लगाएंगे, फिर उसके बाद इनकी जो केबलें हैं वो लगाएंगे, कूल और हॉट की, और जो डायरेक्शन की ऊपर जो नीचे जो हवा के लिए करते हैं, और एयर फ्रेश वाला जो है वो भी दरवाज़े के साथ लगा देंगे इनके। ये ठीक होगी, लग गई हैं ये। ठीक है, फिटिंग होगी सारी हमारी, चेक कर लें कहीं से ये बिल्कुल ठीक बैठना चाहिए, कहीं से ये उभरा ना हो। ठीक है, और हम वापस हम डेटा स्ट्रीम में आते हैं। ठीक है, इसके दोबारा हम तीनों चीज़ें ले लेते हैं, एसी रिले और एसी प्रेशर और एसी स्विच ले लेते हैं। ठीक है, ओके किया जी। ये देखें जी, अब हमारा बटन भी ऑन है और ये, ठीक है, ये हमारा बटन ऑन है और स्कैनर भी ऑन है, ये ठीक हो गया। ठीक है, ये ऑफ हो गया हमारा बटन और ये ऑन हो गया। ठीक है जी, अब हम इसको देखें, दोबारा हमने बंद किया, ऑफ है, ऑन हो गया। ठीक है, हम इसकी अब ट्राई ले लेंगे, ट्राई में हम आपको बताएंगे कि एसी जो जो है एसी जो कंप्रेसर ले वो ऑफ होना चाहिए और स्विच ऑन रहना चाहिए। ठीक है, अभी आप इसकी ट्रिप चेक करवाते हैं, गाड़ी हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारा बटन ऑन है। ठीक है, हमने सामने कर लिया इसको, अब ये ट्रिप करेगा इंशाल्लाह, अपनी कूलिंग जब मुकम्मल होगी तो ये अंदर ट्रिप करेगा। ये देखें जी, ट्रिप कर गया, बटन ऑन है और नीचे भी एसी स्विच ऑन है। ठीक है, वो ट्रिप किया था एक दफ़ा, ठीक है, आपने देखा था जब ऑफ हुआ था। ठीक है, ठीक हो गई, ये आपने लाजमी आपने चेक कर लेना है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, जजाकल्ला।